ये चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं और एनडीए में अगर पूरी वफादारी से हैं तो आप गए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। आप किधर हैं ये तय कीजिए। और दूसरी बात कि आप पासवानों के लीडर हैं या नहीं, एनडीए का एक सीट था वो था इमामगंज, इमामगंज में वो सबसे ज्यादा वोट काटा, वो किसका था, वो जो पासवान लड़के खड़े थे वो एनडीए का वोट था। अब तो ये चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं या नहीं है। जब वो एनडीए में है तो वो पासवान कैंडिडेट जन स्वराज का इतना वोट कैसे ले आया, ये क्वेश्चन मार्क है ना? और एनडीए में अगर पूरी वफादारी से हैं तो आप गए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। इसलिए राजनीति, गांधी ने कहा कि हम सीधे लोग हैं और सीधे सीधे चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मेरा कोई रास्ता नहीं है। तो यहां तो सीधा सीधी अर्थ लगा रहा है लोग कि आप एनडीए के लीडर हैं, आप वैशाली में हमारा वोट लेते हैं, लेकिन आप 3 बार प्रोग्राम देके शिवहर नहीं जाते, एक सवाल है। और आप माझी जी की बहू खड़ी होती है, एनडीए का एक सीट था, सबसे प्रेस्टिजियस सीट था, और आप इमामगंज नहीं जाते हैं, क्यों, आप किधर हैं, ये तय कीजिए। और दूसरी बात कि आप पासवानों के लीडर हैं या नहीं, अगर हैं तो एनडीए में हैं और 37,000 वोट एक पासवान लड़का निकल के आया और ले गया, तो आपसे बड़ा लीडर वो है पासवानों का। क्या लगा 2025 का क्या रहेगा? कुछ नहीं, जो 2024 के उपचुनाव में हुआ वही होगा, वही 25 दोहराया जाएगा। मैं नहीं कहता, ये वो कह के गए थे कि ये ट्रेलर था इस उम्मीद पर कि 3 सीट हमारी है और हम 3 सीट जीतेंगे। तो आज अगर वो 3 सीट जीत जाते 4 में तो वो क्या कहते, वही मैं कह रहा हूं। वो तो कहते कि ट्रेलर हम पास कर गए, फिल्म यही होगी 25 को, पहले बोल चुके थे ये ट्रेलर है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए, हाँ वो तो कहेंगे ही, वो तो कहते हैं कि झारखंड में हमारे ही कारण हेमंत सोरेन लौट आए, तो हम लोग जिस इलाके से आए हो मिथिलांचल है, यहाँ एक ओझा जी निकले तो कहा कि उत्तर बांधू, दक्षिण बांधू, पूरब बांधू, पश्चिम बांधू, आकाश बांधू, पताल बांधू, तो उधर से उनकी बीवी निकली है 10 झाड़ू मारी पीठ पर, कहा कि जनपिट्टा तुमको अपना घर तो बांधा नहीं जाता है, और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आकाश पताल बांध रहे हो, तो यही उनका है।